हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है इंडियन नन के डिजाइनर में। आज मैं बाही कटिंग की डिजाइन बताऊंगी। मेरी चौड़ाई है 7 इंच, लंबाई है 4 इंच। इसे मैं सीधा करके इसे फोल्ड करके मैं स्टिच लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके मैं इसे फोल्ड करते जा रही हूँ और स्टिच लगा दिए हैं। लगाने के बाद मैं कट कर दूंगी धागे को। अब इसे फोल्ड करके बीचों बीच मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं कपड़े को लूंगी, उसे भी बीचों बीच एक बराबर लाइन ड्रॉ कर दूंगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे सेम एक बराबर रखते हुए मैं स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूंगी। कट करने के बाद मैं धागे को हल्के 1 इंच इतना मैं इसे खोल लूंगी। इसे खोलने के बाद मैं एक डोरी ले रही हूँ, उस डोरी को मैं कपड़े की साइड में रख दूंगी। रखने के बाद कपड़े की साइड में स्टिच लगा लेंगे। सावधान से लगाए, डोरी को ना लगाए। डोरी के साइड कपड़े को स्टिच लगाएं जैसे मैं लगा रही हूँ। लगाने के बाद मैं डोरी को देख रही हूँ टीन के, मेरा अच्छा आ रहा है कि नहीं। तो अच्छा आ रहा है फाइनली। अब मैं दो चौड़ी पट्टी ले ली हूँ, इन दोनों को मैं फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे फ्लावर्स के लिए। इसे मैं पलट लूंगी। पलटने के बाद मैं इसे भी सेम इसी तरह मैं कर दूंगी। करने के बाद मैं टीन रही हूँ डोरी को। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसे बांध लूंगी। तो देखिए मेरा वहीं कितना अच्छा लुक आया है इसका। अब मैं इसमें मोती लगाऊंगी। आप देख सकते हैं मैं कैसे मोती लगा रही हूँ। मेरा मोती लगाना कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आया है। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।